कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड के हत्यारोपी 1-1 लाख के इनामी दरोगा राहुल दुबे और सिपाही प्रशांत यादव को कैंट और रामगढ़ताल थाने की टीम ने मंगलवार की दोपहर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों कोर्ट में सरेंडर करने के फिराक में थे। SSP डॉक्टर विपिन ताडा के सूचना देने पर रामगढ़ताल थाने पहुंचे SIT प्रभारी आनंद प्रकाश तिवारी ने आरोपितों से पूछताछ किया। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर को मनीष हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 4 अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों को पकड़ने की कवायद तेज हो गई थी। क्राइम ब्रांच रामगढ़ताल पुलिस के साथ ही SIT कानपुर की टीम गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, लखनऊ के साथ ही आरोपितों के हर संभावित ठिकानों पर पिछले 14 दिनों से छापेमारी कर रही थी, लेकिन दरोगा राहुल दुबे, विजय यादव, मुख्य आरक्षी कमलेश यादव, आरक्षी प्रशांत पकड़ से दूर थे। लेकिन सोमवार की सुबह राहुल दुबे समेत सभी आरोपितों के CGM कोर्ट में सरेंडर करने की सूचना पर कचहरी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। SPCT सोनम कुमार की अगुवाई में फोर्स पूरे दिन CGM कोर्ट के आसपास मुस्तैद रही। 1 लाख के इनामी हत्यारोपित पुलिसकर्मियों को पहचानने वाले दरोगा व सिपाही कचहरी गेट पर खड़े रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। मिली जानकारी के अनुसार फरार चल रहे दरोगा राहुल दुबे और सिपाही प्रशांत को मंगलवार की दोपहर आजाद नगर से गिरफ्तार किया गया। दोनों कोर्ट में सरेंडर करने के इरादे से गोरखपुर आए थे। 2 अन्य आरोपित विजय यादव व कमलेश की तलाश चल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि कानपुर के बर्रा निवासी कारोबारी मनीष गुप्ता 27 सितंबर को गोरखपुर आए थे। उनके साथ हरियाणा के उनके दोस्त हरबीर और प्रदीप भी थे। तीनों युवक तारामंडल स्थित होटल कृष्णा पैलेस में कमरा नंबर 512 में रुके थे। रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी रात करीब 12:30 बजे कमरे की तलाशी लेने पहुंच गए। आधी रात को इस तरह कमरे की तलाशी लेने पर मनीष ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मियों से उनका विवाद हो गया। आरोप है कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और पुलिस टीम ने पीट पीट कर मनीष की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले। मनीष की पत्नी मीनाक्षी की तहरीर पर पुलिस ने 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी विवेचना कानपुर SIT कर रही है। रविवार को पुलिस ने मुख्य आरोपित जगत नारायण सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और मंगलवार को 2 अन्य हत्या आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।